और हिंदू राष्ट्र का कानून तोड़ना नहीं है। हिंदू राष्ट्र प्राचीन समय से है, आज भी है, आगे बना रहे जी। और हिंदू राष्ट्र का कानून तोड़ना नहीं है जी। कानून ऐसे बने जो हिंदुओं की, हिंदू धर्म संस्कृति समाज की जी। सुरक्षा स्वास्थ्य और परंपरा का सम्मान करे जी। ऐसे कानून बनाकर, ऐसे कानून से सरकार चले जी। उनको ही हिंदू राष्ट्र कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर 15 संगठनों के आधार पर करोड़ों हिंदुओं की सेवा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बच्चों के संस्कार का काम कर रहा है। इसलिए गरीबों के अन्न के लिए एक मुट्ठी अनाज, पूरे भारत में मदद के लिए हिंदू हेल्पलाइन, स्वास्थ्य और गरीबों को मुफ्त में डॉक्टर देने के लिए इंडिया हेल्थलाइन, बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे बढ़े इसलिए किड्स अहेड, ऐसे 15 संगठन चल रहे हैं। आज मैं सुबह भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। भगवान ढूंढीराज गणेश को हटाने की बात चल रही है, मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। मूर्ति भी देवता और स्थान भी देवता है। जिस पर्टिकुलर स्थान पर ढूंढीराज गणेश जी है वह स्थान भी हमारे लिए तीर्थ है, इसलिए तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था हो, सड़कें बाकी व्यवस्था करनी ही चाहिए, करना ठीक भी है, परंतु एक भी प्राचीन तीर्थ अपने स्थान से न हटे। और पहले जिस तीर्थों से मूर्तियां हटी है उसी स्थान पर मूर्तियों की पुनः प्रतिष्ठा की जाए। मैं आशा करता हूँ योगी जी और मोदी जी दोनों हिंदुओं की युगो युग की श्रद्धा के सम्मान के लिए योग्य प्रयास करेंगे। पहली बात, करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा रामचरित मानस पर है, वह किसी व्यक्ति के कमेंट से न कम होती न हटती है। और ऐसे किसी व्यक्ति पर कमेंट देकर उनको अनावश्यक महत्व देने का काम हम नहीं करेंगे। सर, बात करें अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर, आपकी एक साझा बयान था कि राम मंदिर तो बनना लेकिन राम राज्य अभी तक नहीं बन पाया। मेरी दो बातें हैं, यह पूरा अभियान राम मंदिर से राम राज्य, अर्थात हरेक को अच्छा घर मिले, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल के दाम मिले, उनके लिए था। मंदिर तो बन रहा है, राम राज्य नहीं दिख रहा है। और दूसरा, मंदिर तो बन रहा है, बन जाएगा, पर 50 साल के बाद यह मंदिर पर खतरा हो जाएगा यदि देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर जनसंख्या का असंतुलन हमने नहीं रोका। तब ऐसा कर लेते हैं।